हम तजुर्बेकार हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स को जानते हैं। क्या तुम्हारी बीवी ने हमें इस काबिल नहीं समझा कि हमें बताती तो हम इसे डॉक्टर के पास ले जाते? आंटी, मेरा वो मकसद नहीं था। तो फिर क्या मकसद था तुम्हारा? आज तुम खुल के बात करो, हम सब तुम्हें यहाँ बेवकूफ नजर आते हैं। एमन, कीप क्वाइट। बेटा, ये इन दोनों का जाती मामला है, लेट देम सेटल इट। जी नहीं, गलत कह रहे हैं आप, ये इनका जाती मामला नहीं है, ये हमारी आने वाली नस्ल का मामला है। आप जरा खुद ही सोचें, इसने हमसे क्यों छुपाया, मकसद क्या था इसका? आप लोग गलत समझे, दिलकश ने सिर्फ मेरे आने का इंतजार किया और कुछ भी नहीं। अच्छा, ताकि तुम्हें कायल कर सके कि आने वाले बच्चे को पैदा न किया जाए। आंटी प्लीज, मुझे गलत मत समझे। अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे किस तरह समझना चाहिए, किस तरह सोचना चाहिए? दिलकश, मेरे साथ ज्यादा चलाकियां करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मामा, आपको यकीन नहीं आ रहा ना, तो आज हम लोग चेकअप के लिए जा रहे हैं डॉक्टर के पास, आप हमारे साथ चलेंगे बस? ठीक है, ले जाओ उसे, खुद ही पता चल जाएगा तुम्हें। नासिर साहब। जी डॉक्टर साहब, रिपोर्ट में क्या लिखा है? आपकी वाइफ को सिस्ट है, वो प्रेग्नेंट नहीं है। और? जी नासिर साहब, प्रेग्नेंट नहीं, लेकिन आप परेशान ना, इसका इलाज हो सकता है। देखिए, आपने अपनी बहू की चलाकी, मेरी बात पे तो आप यकीन ही नहीं कर रहे। मैं बिल्कुल सच कह रही थी। खुदा के वास्ते अब तुम तो चुप कर जाओ, तुमने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। मामा, यही वजह थी जो वो आपके साथ डॉक्टर के नहीं जा रही थी। तो भाई, इतनी चलाक, ये जरूर उसकी अम्मा बहने सिखाती हैं, इतनी छोटी उम्र में इतनी चलाकियां कहां से आ सकती हैं। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि तीनों बहनें बहुत चलाक हैं। अब करवाती रहे आप उसका इलाज, औलाद तो पैदा होगी नहीं उससे। अल्लाह ना करे, ये किस किस्म की बातें मुझसे निकाल रही हो? मैं तो चाहती हूँ कि मेरा सारा घर बच्चों से भर जाए। तुम नहीं जानती हो तुम कि कितना अरमान है मुझे नासिर की औलाद देखने का। अगर तुम ये जानती तो कभी इस तरह की बातें मुझसे ना निकालती। दुखी करके रख दिया तुमने मुझे। तुम्हें ये बात पहले से पता थी, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? इस घर की तीनों बेटियों की खुशियां तबाह हो गई। कहीं आपने या बाबा ने किसी का दिल तो नहीं दुखा? मुझे तो लगता है किसी ना किसी की हमें बद्दुआ लगी है। आदर्श प्लीज, मम्मी से ऐसी बातें नहीं करो, पहले से दुखी है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने दिलकश के बारे में क्या कहा? आंटी, एक
छोटे सा ऑपरेशन रखा है, लेकिन वो भी तब जब दवाएं असर ना करें, वरना उसकी भी कोई जरूरत नहीं। तुम लोग इतनी रात को क्यों आए? कोई सीरियस बात है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दिलकश का दिल चाह रहा था और वो रोना चाह रही थी, तो अगर रोने से हालात बदलते ना, तो मैंने तो रो रो के दरिया बहा दिए थे, मेरा तो हालात नहीं बदले। होता वही है जो रसीद में लिखा हुआ होता है, उसे कोई नहीं बता सकता। मैं दिलकश के पास जाती हूँ। उठो, नाश्ता कर लो, तुम्हें दफा भी कहानी है और नाश्ते की टेबल पे सब इंतजार कर रहे हैं। नासिर, तुम इन सब लोगों को समझा दो कि ये चुप हो जाए, क्योंकि अगर मेरी जबान खुल गई तो अच्छा नहीं होगा। मेरे खातिर तुम कुछ नहीं कहो, वैसे भी कुछ दिन की बात है, तुम्हारा इलाज हो रहा है, तुम ठीक हो जाओ। मैं आप ही की तरह नहीं हूँ कि सब कुछ खामोशी से सहती रहूं। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, मुझे बिताने देने आते हैं, इन सब को चुप करा दूंगा सर। सुनो, मैंने डैड से बात की, वो मान जाए, और हाँ, इस तरह जिद करने से क्या होगा, कुछ खाओ, जो उठो नाश्ता करो, तुम मुंह हाथ धो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता यही लिया था। असलम आए? अभी तक नहीं आए? अच्छा चलें, ठीक है, सही है। आप ऐसा करें, मेरे रूम में आप चाय भिजवा दें। ओके। काम था, बाजार से सामान लेना था। सामान? हाँ, सोफे, बेड वगैरह। सॉरी, आज पूरा काम तुम्हें करना पड़ा। कोई बात नहीं है, वैसे मैं आखिरी मेल करने लगी थी। तो फिर चलें बाजार, अभी 3 ही बजे और तुम्हें घर पे टाइम पे ही पहुंचना होगा। मजाक कर रहा हूँ, चलो तो मैं घर चलूँगा, मैं वेट कर रहा हूँ। हाय हाय,
तो बहुत ही बुरा हुआ। पहले बच्चे का तो चाव भी बहुत होता है सबको। हाँ पा, और ऊपर से वो एमन, उससे बड़ी सास बनी बैठी है, हर बात पे बोलती है। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप के नसीब में औलाद का सुकून क्यों नहीं। हेलो हेलो अहमद फराज, कैसे हैं जी? आदर्श अम्मा से बात करा दूं? अब हाँ, आप यहीं पर ही हैं, मैं देती हूँ, ये नीचे खड़ी जाओ। हाँ भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा आप किस बला को हमारे सर पे छोड़ के चली गई हैं? हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम घर के सारे काम करते हैं फिर भी जलील होते हैं। अरे अरे ये क्या, अरे क्या मियाँ मिर्चे खा के बैठे हो, हैं? जरा आहिस्ता बात करो। अच्छा ये बताओ उनके अब्बा मरे या नहीं? देखो हम अभी भी उनका ख्याल कर रहे हैं, अगर वो जिंदा हैं तो उन्हें बर्दाश्त करो। और अगर निमट गए हैं? तो फरा को जाकर उसकी माँ के यहाँ छोड़ा। नहीं अम्मा अभी तक हयात है उनके वालिद साहब, देखे हम आपके सामने हाथ जोड़े, आप आ जाए हमारी खातिर ही आ जाए। अगर आप नहीं आई ना तो हम कसम खा रहे हैं कि हम खुदकुशी कर लेंगे। अरे नहीं मियाँ, तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं है और हमारे में भी इतनी ताकत नहीं है कि हम उन्हें बर्दाश्त कर सके। थोड़े दिन सबर करो, हम अपनी हिम्मत इकट्ठी कर लें तो फिर आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जाना तो पड़ेगा ही, जब मैं कदा छोटा तो फिर क्या जगह की कैद, मस्जिद हो मदरसा हो या हो खानगाह। पर हमें भी तो औलाद का सुकून नसीब ही नहीं हुआ। मामा और आप ही ऐसी बातें करती हैं जैसे दिलकश ने सब कुछ जानबूझकर किया, और आप ही ने तो हद कर दी है डैड, हर मामले में उसकी मुखालफत करती है, कभी भी उसका साथ नहीं देती है। ताकि बीमारी में भी उनका बिल्कुल ऐसा ही रवैया है। देखो बेटा, वो कहते हैं ऊंट की पकड़ और औरत के मकर से खुदा बचाए। यार ये तुम कहां इन खवातीन की बातों के चक्करों में पड़ गए, जस्ट फॉरगेट इट एंड कैरी ऑन योर लाइफ। लेकिन डैड मैं दिलकश के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा, आप प्लीज उन्हें समझाइए, वरना मैं दिलकश को उसकी माँ के घर छोड़ूंगा, और जब तक उसका इलाज होता है वो वहीं रहे सुकून से, मुझे उसे इस टेंशन से निकालना है। ये गलत बात है बेटा, मैं तुम्हारी मामा से बात करूंगा, तुम भी दिलकश को समझाओ। देखो ना, कुछ बातों को इग्नोर करना चाहिए और हर बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए। डैड दिलकश को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो मामा की बात का बिल्कुल बुरा नहीं मनाता, लेकिन जब आप ही बोलती है ना बीच। अरे बेटा मैंने तुम्हें कहा ना, मैं लोगों को समझा दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। बेहतर होगा कि वो समझ जाए, वरना बात बहुत बढ़ जाए जो मैं नहीं चाहता। बनाती है नजर मोहम्मद, तेरे खाने की बड़ी तारीफ करता है भाई। आप लोग जा कर दें। मैं आप लोगों का सामान पैक करवा देती हूँ। अभी तो अजरा का कफन भी मैला नहीं हुआ, हम मचालूम के बाद चले जाएंगे। लेकिन मैं सोच रही थी कि अब तू नौकरी पे जा, हम घर पे बैठे हैं ना। मैंने सोच लिया है कि मैं नौकरी नहीं करूँगी, मैं अपने घर का और अपने बच्चों का खुद ख्याल रखूंगी, और वैसे भी मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मैं खुद सब कुछ कर सकती हूँ। तो फिर बच्चे तूने अजरा पे क्यों छोड़े थे? तेरे बाप की नौकर थी। तमीज से बात कीजिए, पहले भी समझा चुकी हूँ कि मेरे माँ बाप तक मत पहुंचा करें, और वो बच्चे अजरा के भी थे, और अजरा से ज्यादा ख्याल उनका कोई नहीं रख सकता था, समझिए।
तू माँ नहीं बनी है ना, इसलिए तेरे को बड़ी औलादी का ताना दे रही है। मेरी सास ने जो काम नहीं किया था ना, अब ये कर रही है। मेरी भाभी होके मुझे बे औलादी का ताना मारी है। खुदा के वास्ते चले जाए आप लोग यहाँ से, मत बर्बाद करें मेरा सुकून। असर नहीं पड़ा, मुझे ये उम्मीद थी कि दुआएं काम करेंगी। डॉक्टर साहिबा फिर क्या होगा? परेशानी की कोई बात नहीं, छोटा सा ऑपरेशन करेंगे, उन्हें एडमिट होना होगा। सिर्फ 3 दिन का रेस्ट है, फिर सब ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन करना होगा तो फिर प्रेगनेंसी होगी? सिर्फ 6 माह एहतियात करें फिर। आप ये बताएं मैं कब एडमिट करूँगा? आप ऐसा करें, उन्हें परसों ले आइएगा और ये फाइल भी साथ ले आइएगा, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं इसे परसों ज़रूर लेकर। हमें तो हैरत है खतीजा अबा कि आप जैसी जहांदीदा खातून ने फरा जैसी लड़की को कैसे पसंद कर लिया। अरे भैया अक्कल मारी गई थी हमारी, हमें तो इस जमाने का ख्याल ही नहीं रहा, हमने तो अपने जमाने का सोच कर हाँ कर दी। अरे जैसे तुम्हारे जमाने में माँ बाप की शराफत देखी जाती थी, इसी तरह हमने सोचा कि शरीफ माँ बाप की बेटी है, अच्छी होगी। माँ की छाप होती है बेटी पर। जी नहीं, माँ बाप दोनों की तरबियत का असर होता है औलाद पर। भैया बहस ये नहीं है, मसला ये है कि हम क्या करें, जाए तो हमारी बेइज्जती होती है और ना जाए तो लड़का धन में ले जाना। तो यूं करते हैं कि हम बात करते हैं, हम फरा को भी तो सुने ना, अगर उन्हें कोई मसला है आपसे तो उसे भी तो हल करना होगा ना। फोन पर बात करने से कोई फायदा नहीं होगा, वो आपकी बात नहीं समझेगी। तो फिर ऐसा करते हैं अफशा बेगम के उन्हें यहाँ बुला लेते हैं, कह देते हैं कि घूमने फिरने के लिए हफ्ते 10 दिन के लिए कराची आ जाए। हाँ मेरा ख्याल है ये ठीक है, सारी बात खदीजा आपा के सामने हो जाएगी, वरना बेकार है। ठीक है आप लोग जैसा चाहें। रिश्ता है बरसों का, ये है जियो कहाँ।